हेलो, हेलो मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बोलिए कैसे सलाम, पहचाने? हैं। अरे बस, क्या गुलबर्गा हेडलाइन को ऐसे कैसे छोड़ सके? सही है सही है। वही बोलिए। नंबर आपके पास है नहीं, पहले वो देखा मैं। वही नहीं, ऐसा आपका कुछ न्यूज़ आज कल देखा, मैं कल ही लगाना बोला, जो प्राइवेट कल आपका बहुत हेलीकॉप्टर ज्यादा क्रैश लोग हुआ। फोन कर रहे थे और बहुत रश था, हाँ। लेकिन आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला की दुआएं हैं, तो खैरियत से वो महफूज हूँ। क्या जी जी मैम जी, कैसे हुआ मैम, क्या था इंसिडेंट वो, जरा न्यूज सुनाना पता था नहीं, अभी आपको। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी क्या। एक तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, और जिस तरह से, क्योंकि रात में 1:45 के करीब हमारे एक जिला प्रमुख पर जानलेवा हमला भी हुआ था, अच्छा और सुबह 5 बजे तक वो टेंशन चल रहा था, और सुबह 7:30 बजे ये चीज हो गई। कहाँ कहाँ और जा रहे जो थे, कहाँ हेलीकॉप्टर जाने का प्लान था आपका, कहाँ से निकल रहे थे मैम, क्या? बारामती को मुझे जाना था, और मैं महार से निकली थी, कोंकण से, और वो जिस तरह से हेलीकॉप्टर दिख रहा है कि वो नीचे आता है अच्छे से, और नीचे आने के बाद जैसे ब्लास्ट हुआ मानो, ऐसे कुछ होता है। तो हाँ क्रैश हो ये गया। यानी कि अगर 2-3 मिनट और लगते हैं, देखिए फ्लाइट मुझे लेने आना था, हेलीकॉप्टर 9 बजे आना था, लेकिन उसको देर हो गई। ठीक है, मतलब अगर नहीं लगता कि कुछ ऐसे है, लेकिन एक डाउट ऐसे भी आता है कि अगर कुछ टाइमर था क्या, कुछ था क्या, कि भाई मैं 9 बजे उसमें बैठूं और 9:20 को धमाका हो जाए, पर वो किसकी लेट हो साजिश, गया पहले से किसकी ही। साजिश लगती है मैम आपको? जिस तरह से क्रैश हुआ है, आप बता रहे हैं कि टाइमर बम भी हो सकता था अंदर, तो क्या क्या पता नहीं क्या हो सकता था, अब हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों से दुश्मनी मोल ले चुके हैं। सही है मैम, सही। इस भरी दुनिया में बस दुश्मनों की कोई किल्लत नहीं है हमारे लिए। बस जो दुश्मन भी हैं और आपके लिए दुआएं भी हैं बिल्कुल लोगों बिल्कुल के। हाँ उधर दुआएं तो इतनी दुआएं हैं कि कल उन दुआओं की वजह से ही बच गई, क्योंकि 2 मिनट का अगर फर्क होता कि 2 मिनट में अगर मैं वहां पर मान लीजिए कि मैं कुछ बैठ जाती हूँ, कुछ कर जाती हूँ, तो बिल्कुल क्या हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, वही देखा है मैं, मेरे को भी देख के बहुत, तभी मैं फोन करना बोला आपको, क्योंकि मैं सोचा शायद आप पैनिक होंगे, जिस तरह परेशान से हम होंगे। अभी महाराष्ट्र में मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि मैं, उद्धव साहब, पवार साहब, तीन और चार, आदित्य जी और संजय राउत, पांच, हम पांच लोग हैं जो बड़े खुलकर महाराष्ट्र में उसे टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े खुलकर और बड़े जोर शोर से। तो पता नहीं अभी क्या क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, जी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, और मैं वो वजह बन जाऊंगी कि ये अपने तख्त से उतर जाएंगे, और बिल्कुल मैं बचूंगी, मैं लड़ूंगी और मैं जीतूंगी, और इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगी भैया, बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल क्योंकि हमारी भी दुआएं हैं आपके साथ जो जंग मैंने आप। छेड़ रखी है ना, कि इन्होंने जिस तरह से कौमी फसाद लगा कर रखे हुए है, जिस तरह से एक जहरीली बातें कि बाकी सारे मुद्दों को छोड़ देते हैं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो करते हैं ना, तो बिल्कुल इन सारे लोगों के लिए ना मैं कहर बनकर टूटूंगी। बिल्कुल, आपकी आवाज तो आपसे नहीं, पहले से मैम इस तरह से हाँ, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आप आवाज उठाते आए और हैं। बहुत सारे लोगों को लगा था कि शायद मैं शिवसेना में जाकर मेरी सोच बदलूंगी, नहीं, मैं मेरी सोच नहीं बदलूंगी, मैं शिवसेना को बदलूंगी, और शिवसेना बदल रही है, आप देख रहे हो बिल्कुल कि शिवसेना ने करवट ली है। हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है, और क्या माहौल चल रहा है मैम वहां पे, जो महाराष्ट्र इलेक्शन के माहौल क्या चल रहे हैं अभी? भैया, यहाँ पर भारी भरकम सीटों से जीते हुए हैं, जी। ये कितना भी बोले 45+, ये 30+ भी नहीं होते इधर। अच्छा, आपकी हाँ, मेहनत कैसी चल रही है मैम ग्राउंड पे, क्या आपकी मेहनत कैसी चल रही है वहां पे? जी बिल्कुल, मेहनत तो पिछले 2 साल से इतनी मेहनत ले रही हूँ कि इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी भैया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
शुक्रिया भाई, आपको। शुक्रिया। हाँ ओके मैम, थैंक यू जी थैंक यू। जी जी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हमेशा हाफिज। हमेशा मैम, हमेशा थैंक यू।